जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी एनडीए 2 ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब ओपन करते ही ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात लिखी गई है जो कि आपको अप्लाई करने से पहले रीड कर लेनी चाहिए। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र में आवंटित उम्मीदवारों की संख्या सीमित होगी। केंद्रों का आवंटन पहले आवंटन के आधार पर किया जाएगा और केंद्र निर्धारित सीटें भर जाने पर इसे रोक दिया जाएगा। आवेदकों को इस प्रकार सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें जिससे वे अपनी पसंद का केंद्र ले सके। यानी कि ये इस प्रकार से है कि जो लोग जितनी जल्दी आवेदन करेंगे उन्हें उतनी ही जल्दी अपनी मनपसंद का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मिल जाएगा। इसलिए आपसे ये बोला गया है कि आप जितना जल्दी हो सके इसमें फॉर्म फिलअप कर दें। साथ ही इन्होंने यहाँ पर बताया है, उक्त प्रावधान के होते हुए भी स्थिति के अनुसार आयोग अपने विवेक पर केंद्रों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी कि ये सब करने के बाद भी जो यूपीएससी है ये अधिकार अपने पास रखता है कि वो फिर भी आपके एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाए, आपको यहाँ पर पार्ट वन रजिस्ट्रेशन भाग वन पंजीकरण के नीचे क्लिक एयर फॉर पार्ट वन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा न्यू विंडो के अंदर। यहां पर आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि इंग्लिश के अंदर भी है और हिंदी के अंदर भी है। अगर आप इनको रीड करना चाहते हो तो कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे आने पर यहां पर यस हां पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहां पर आपके सामने जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले नेम, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम भर देना है और ये नेम आपको अपना 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। जो नेम आपका 10th की मार्कशीट में लिखा गया है वही नेम आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आता है जेंडर, आपका जेंडर क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। ये इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको कि आपका जन्म किस ईयर से लेकर के किस ईयर के बीच हुआ है। अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो देखी होगी तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एज लिमिट भरी जा रही है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियो चेक कर ले, जिसमें कि मैंने आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी दी है और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उसके बाद यहाँ से आपके पिता का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम भर देना है। फिर यहाँ से आपको अपनी माता का नाम भर देना है और ये नेम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने हैं। इसमें आपको शुरुआत में कोई मिस्टर मिसिज या श्रीमती लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कम्युनिटी अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी से हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर SC सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप OBC सिलेक्ट करते हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी जो कि 100 रुपये रखी गई है। डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, क्या आप क्रीमी लेयर से संबंधित है, अगर हो तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस, नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आप यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आपका है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन, आप कौन सी क्वालिफिकेशन के आधार पर अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं पास्ट 12th क्लास इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस यहाँ पर एड्रेस लाइन के अंदर देना है। फिर अगर आपका एड्रेस थोड़ा लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल कर लेना है और अगर उससे भी ज़्यादा लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 3 का भी इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला, शहर, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है ये आपको यहाँ पर भर देना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको
यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी स्टेट से हो इंडिया की, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आप आओगे तो नीचे देखोगे पिन कोड, तो अब आपको यहाँ पर अपना पिन कोड भर देना है। फ़ोन नंबर विद एरिया कोड, अगर आप जो वैसा अलग से फ़ोन नंबर होता है लैंडलाइन, वो नंबर आप देना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना भर देना है, और ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर वर्किंग भरना है, यानी कि जिसको आप इस्तेमाल करते हो और अभी आप उसको, अगर उसके ऊपर कोई मैसेज आए उसको रिसीव कर सको। इसके अलावा नीचे आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी गई है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भर देनी है, और आपको अपनी ईमेल आईडी भी वर्किंग भरनी है, यानी कि जिसका पासवर्ड आपको याद हो। फिर से आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर भर के कन्फर्म कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिर से भर करके कन्फर्म कर देता हूँ। अब इसके बाद नीचे दिया है अल्टरनेट ईमेल, क्या आप इस ईमेल के अलावा कोई और ईमेल भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो ईमेल आईडी भी भर सकते हो। अब इसके बाद ये हमने हमारी जो जानकारी थी रजिस्ट्रेशन की, हमने सभी भर दी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे कंटिन्यू पर, कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले अभी आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर लेने कि कहीं पर आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं पर आपके नेम स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सभी चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, और जब आपको लगे जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने आपका जो अगला प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर आपसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो पहचान पत्र मांगा जा रहा है। यहां पर आपको सिलेक्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से आप कौन सी आईडी यहां पर देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्कूल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी इश्यूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर वोटर आईडी, तो मैं यहां पर आधार कार्ड चूज कर लेता हूं। इसके बाद आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यानी कि जो भी आईडी आप यहां पर चूज कर रहे हो उसका नंबर आपको यहां पर भरना होगा। उसके बाद आता है कंफर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, उस नंबर को आपको दोबारा से यहां पर फिलअप कर देना है। अब आप नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहां पर देखोगे स्पेशल डिटेल फॉर एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन, तो यहां पर आपको प्रेफरेंस वरीयता, यानी कि प्रेफरेंस देनी है, तो आप किसे प्रेफरेंस ज्यादा देना चाहते हो और किसे कम देना चाहते हो। यहां पर देख लीजिए, आपके द्वारा चयन की गई शैक्षिक अर्हता के अनुसार आप केवल सेना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है, यानी कि जो मैंने यहां पर अभी क्वालिफिकेशन चूज की थी उसके अनुसार में सिर्फ जो सेना का फॉर्म है उस पर ही अप्लाई कर सकता हूं, ना कि नौसेना और वायुसेना। तो यहां पर जो सेना है उसका जो एक नंबर है यहां पर दिया गया है, इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब आपको नीचे आने पर आप यहां पर देखोगे वेदर स्टूडेंट ऑफ सैनिक मिलिट्री स्कूल, क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हो, अगर हो तो यस, नहीं तो आपको नो रहने देना है। फिर आता है क्या आप JCO, NCO, अन्य रैंक के अधिकारियों के पुत्र है और सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो बिल्कुल मैंने भर दी है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाई योर एप्लीकेशन डिटेल, यानी कि जो भी जानकारी भी आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, और आप अपनी सभी जानकारी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो अभी भी आप उसको सही कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगे कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको नीचे आना है, और यहां पर आपको कंफर्म रैंडम इमेज, जो नंबर यहां पर एक सिक्योरिटी कोड दिया है वो आपको यहां पर भरना है, जैसे कि मैं आपको अभी फिल करके दिखा रहा हूं। इसके बाद आपको यहां पर ये कैप्चर कोड भर के आई एग्री पर क्लिक कर देना, यानी कि मैं सहमत हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेशनल एकेडमी एग्जामिनेशन 2019 के लिए आवेदन पत्र, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आप नीचे देखोगे कृपया ऊपर दिए गए पंजीकरण संख्या को नोट कर ले, संघ लोक सेवा आयोग से आगे पत्र व्यवहार करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी, यानी कि जो जानकारी यहाँ पर दी गई है आप का रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम, आपको इन जानकारी को सेव कर लेना, जो कि आपका मैन है रजिस्ट्रेशन आईडी। आप चाहे तो इसको यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप चाहे तो उसका प्रिंट भी ले सकते हो, ताकि ये जानकारी आपके पास फ्यूचर में सेव हो जाए। यहां पर आप जैसे ही प्रिंट स्लिप पर क्लिक करोगे तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पहले आप इसको PDF के तौर पर सेव कर ले, और बाद में आप इसको प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो यह फाइल मेरे पास सेव हो जाएगी। अब ये मेरे पास सेव हो चुका है, और अब मैं क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दिया है क्लिक हियर फॉर पार्ट टू रजिस्ट्रेशन, तो आपको अब इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिलअप कर देनी है जो कि अभी आपको यहाँ पर प्राप्त हुई है, और साथ ही जो डेट ऑफ बर्थ आपने अभी यहाँ पर सिलेक्ट की है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको भरनी होगी। फिर उसके बाद आपको कन्फर्म रैंडम इमेज, जो यहाँ पर कैप्चर कोड इन्होंने दिया है सिक्योरिटी कोड, ये आपको यहाँ पर भर देना है, और फिर आपको सबमिट जमा करे के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह
तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन फीस है उसका भुगतान करना होगा। यहाँ पर आपको थ्रू एनी SBI ब्रांच ये सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप अगर पे बाई कार्ड के माध्यम से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप पे बाई नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ी जमा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी नीचे रुपए कार्ड सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो ये जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करते ही आपको एक न्यू पेज के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जो कि आपका पेमेंट का पेज होगा जहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी है। तो अभी प्रोसेसिंग हो रही है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको अप्लाई करने के लिए रुपये 100 देने होंगे, और यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी डेट ईयर डाल देना है, कार्ड होल्डर नेम डाल देना है, CVV डालना है, और टाइप दी कैरेक्टर यानी कि जो कैरेक्टर यहाँ पर दिए है ये सब डाल देना है, और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप फिर से उसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट हो जाओगे जहाँ से आप यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आए हो। तो चलिए अब मैं यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों रिडायरेक्ट हो जाने के बाद अब आपके सामने सेंट्रल सिलेक्शन यानी कि केंद्र चयन का सेक्शन आ जाएगा। यहां पर आप एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र के सामने जो ऑप्शन दिया है इसको सिलेक्ट करके चूज कर सकते हो कि कहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हो। तो यहां पर मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको नीचे जमा करे का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने फोटो साइन एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपलोड योर स्कैंड फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो इसके सामने जो चूज फाइल का ऑप्शन है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका जो इमेज है वो अवेलेबल है आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर मैं एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूं, ये मैं इमेज यहां से सिलेक्ट करता हूं और फिर इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपके जो फाइल का साइज नेम है वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अपलोड योर स्कैंड सिग्नेचर, अब आपको यहां पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको उसको ओपन कर देना है। अब इसके बाद यहां पर आप देखोगे अपलोड योर स्कैंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपने वहां पर आधार कार्ड सिलेक्ट किया था आइडेंटिटी कार्ड में वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट अपलोड करना है। अगर आपने वहाँ पर कोई और आईडी सिलेक्ट की थी तो आपको वही आईडी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी वो आइडेंटिटी कार्ड अवेलेबल है वो इमेज आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पर भी एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपका जो फाइल का नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अपलोड पर क्लिक करते ही आपके जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आपके जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। ऊपर आपका इमेज होगा, बीच में आपका सिग्नेचर, और तीसरे नंबर पर आपकी जो फोटो आइडेंटिटी है वो आ जाएगी। मैं यहाँ पर जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फिर जो ओरिजिनल फोटो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसी वजह से आप यहाँ पर जो मेरी आइडेंटिटी है वो सही नहीं देख पा रहे हो। पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप फोटो अपलोड करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, पर अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे और उसके अनुसार आप फोटो अपलोड करोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों जो आपका इमेज है उसका साइज 350x350 पिक्सल के अंदर होना चाहिए, तभी आपका इमेज अपलोड हो पाएगा, और जो आपके इमेज का फॉर्मेट है वो JPEG के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका सिग्नेचर है इसका जो पिक्सल है वो 1000 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके सिग्नेचर का साइज 20KB से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 20KB से ज़्यादा ही होना चाहिए। और जो आपका तीसरा जो यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी है ये आपकी JPG फॉर्मेट के अंदर नहीं बल्कि PDF फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसको अपलोड कर पाओगे। और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि किस प्रकार के आपके इमेज और किस प्रकार के सिग्नेचर होना चाहिए। आपके इमेज इस प्रकार के होने चाहिए जो कि एक्सेप्ट किए जाएंगे, और सिग्नेचर आपके इस प्रकार के होने चाहिए, और जो आपके फोटो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे वो यहाँ पर दिए गए जो कि आप इधर देख पा रहे हो, और कुछ इस तरफ आपके सिग्नेचर भी दिए गए जो कि एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर सभी जानकारी भर दी है, अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आया है फोटो आइडेंटिटी कार्ड फोटो पहचान पत्र आईडी नंबर। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको भरना होगा। जैसे आप यहाँ पर अपना आईडी नंबर भर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाइड फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, और अब आपको थोड़ा नीचे आने हैं और जो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया इसको चेक कर लेना है, और इसके सामने दिया गया है
आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री, यानी कि अंतिम रूप में जमा करें। आपको ये देखना है तो आपको इसके नीचे आने पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है, आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आप व्यू प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी भरनी होगी। मैं यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी भर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपनी डेट और फिर अपना मंथ और यहाँ से फिर आपको अपना ईयर सेलेक्ट करके, दोस्तों जैसे ही आप अपनी डिटेल भर दोगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा जो कि आपका सक्सेसफुली है। और आप यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देख सकते हो और यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके या फिर इसका प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका फॉर्म UPSC NDA 2019 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आप किस तरह से इस फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर भी कर दे ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच जाए। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।